पहाड़ी पुलिस ने एकता होटल के पास से दारू से भरी हुई ट्रक पकड़ी। वही ट्रक चालक एवं क्लीनर को गिरफ्तार करने के साथ 18,41,000 रुपए के माल सामान को जब्त किया। पहाड़ी पुलिस स्टेशन के सीनियर PSI PH नाई और स्टाफ किरण छोड़, स्वप्निल एवं महेश गत रात को संपत्ति संबंधित गुनाहों की वॉच में थे। उस दौरान खड़की एकता होटल के पार्किंग में MH 48 AG 0559 नंबर की ट्रक आई और जहां पुलिस कर्मियों को देखकर ट्रक चालक और क्लीनर ट्रक में से उतरे ही नहीं और ट्रक चालू करने के उनके व्यवहार को देखकर पुलिस को उन पर शंका हुई। जिस शंका के आधार पर पहाड़ी पुलिस ने ट्रक चालक दिनेश नानुभाई पटेल निवासी सारण पीपल फलिया और क्लीनर दिनेश किकुभाई हरपति निवासी ओलवाड़ की पूछताछ शुरू की और ट्रक की तलाशी ली, जिसमें ट्रक के पीछे कपड़े की छिंदियों के नीचे छुपाया गया दारू मिला पहाड़ी पुलिस ने शंका के आधार पर ट्रक में से बियर विस्की की बोतल नंग 14,400 जिसकी कीमत 8,40,000 रुपए एवं ट्रक की कीमत 10,00,000 रुपए कुल मिलाकर 18,41,000 रुपए के माल सामान को पकड़ने में सफलता मिली। हालांकि यह दारू किसने भर कर दिया और कहां ले जाया जा रहा था, इस बारे में ट्रक चालक एवं क्लीनर से पूछताछ करने पर उन्होंने यह दारू की मात्रा दमन खारीवाड़ निवासी तनवीर अब्दुल कादी ने दमन GIDC में एक आईसर टेम्पो में दारू भरकर लाकर वहां से ट्रक में भरकर देने की और दारू की यह मात्रा सूरत कामरेज पहुंचाने की जानकारी दी। इसी के साथ तनवीर खुद एक बिना नंबर की स्विफ्ट में आगे पायलटिंग करते होने की जानकारी देने पर पहाड़ी पुलिस ने तनवीर को वांटेड घोषित कर आगे की जांच शुरू की है। वही ट्रक चालक ने पिछले करीबन 8 महीनों से ड्राइविंग कर सूरत सोनगढ़ जैसे विभिन्न विस्तारों में दारू की करीबन 20 ट्रिप मारने की जानकारी देने पर पुलिस भी चौंक उठी और 21वीं ट्रिप में पहाड़ी पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गया। सूरत ले जाऊं कितलो दारू हो तो भाई 700 पेटी अच्छा कोने भरी आई पोता तने तनवीर माने केवी रीते पकड़ाई गया पछी तो साहिब मोतीहाट पर साहिब गाड़ी गाड़ी उभी राखी એટલે ઉભી રહી। અત્યાર સુધી કેટલી ટ્રીપો કરી છે અને ક્યાં ક્યાં લઈ જતા? સુરત લઈ જતા અને આપણે સ્કીમ ચાર રસ્તા લઈ જતા। અત્યાર સુધી કેટલી ટ્રીપો કરી? 20 થી